बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है आप सबके? अभी रिसेंटली फादर्स डे गुज़रा है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छी है आपकी उर्दू। बहुत ही इत्तेफाक हुआ कि वहाँ जो साहब थे वो पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने उर्दू में इसके ऊपर मेरे अच्छे बाबा लिख लिया, और बच्चों ने जो है वो बड़े मज़े से जो है वो ये पिज़्ज़ा आइसक्रीम केक कटवाया बाबा के साथ और खुश हुए। वैसे तो मैं किसी भी पेरेंट डे को सेलिब्रेट करने के हक़ में नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि हर दिन पेरेंट्स का डे होता है, आपको हर दिन इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों फादर्स डे सेलिब्रेट करने के मैं फुल फेवर में हूँ, क्योंकि हर अच्छी चीज़ हम पता नहीं क्यों अम्मियों के साथ मंसूब करते हैं। अम्मी अच्छी, अम्मी अच्छा पकाती हैं, अम्मी ख्याल रखती हैं, लेकिन जो बाबा होते हैं ना वो बड़े अनसंग हीरो होते हैं। वो हमारे लिए बहुत काम करते हैं घर से बाहर जाके, और हमें एहसास भी नहीं होता किस किस चीज़ को फेस करते हैं। तो सिर्फ इस वजह से कि इस एक दिन आपने अपने अब्बा को हग करना है, प्यार करना है, उनके लिए इस दिन को सेलिब्रेट करना है, तो इसलिए मैं फादर्स डे मनाने की फेवर में हूँ। अगर आप मनाना चाहते हैं तो ज़रूर मनाएं, और अगर आप नहीं मनाते तो भी कोई बात नहीं। जिन लोगों के वालदैन हैं अल्लाह मियाँ उन्हें सलामत रखे, और जिनके नहीं हैं अल्लाह ताला उनको अपने पास बहुत अच्छी और प्यारी जगह अता फरमाए, और जन्नत में हम सबको उनसे मिलवाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जी, ये आपको जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, ये मैं गई हुई हूँ एक नर्सरी में, और नर्सरी दे जाके मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ की नर्सरी बहुत डिफरेंट है, बड़ी मज़ेदार है, बहुत खूबसूरत है। वैसे तो पाकिस्तान की नर्सरीज भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ की नर्सरी की तो बात ही और है। ऐसा लगता है कि आप रेन फॉरेस्ट में आ गए। यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा पॉन्ड बनाया हुआ था जो मुझे बहुत प्यारा लगा। यहाँ से मैंने सोचा कि कुछ पौधे ले लूँ। जो लोग मेरे पिछले व्लॉग्स को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं हमेशा बड़े वाले सनफ्लावर लगाती हूँ, पर इस दफ़ा मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज किया जाए। मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया है, सर्दी ख़त्म हो गई है, बारिशें स्टार्ट हो गई हैं, तो थोड़े से पौधे मैं लेकर आई। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, आप देखिए और दुआ कीजिए कि ये सारे प्यारे प्यारे पौधे जो हैं वो अपनी जड़ें मज़बूती से मेरी क्यारी में पकड़ लें और ख़ूबसूरत तरीके से खिलें, और बाहर के मौसम में मेरे घर को भी खूबसूरत बनाएँ। और जी, एक मुन्ना सा मैंने बेल भी लगाई है खीरे की, उम्मीद है कि वो निकल आएगी। वैसे तो पत्तों की कंडीशन से लगता नहीं है कि वो ग्रो होगी, लेकिन आप लोग दुआ करें, हो सकता है कि वो शायद बड़े हो ही जाएं। और मेरे लिलीज़ भी देखें खिले हुए हैं, और ये मिर्चों के पौधे हैं, मिर्चों के पौधों के साथ ये खीरे की बेल के दो नन्हे से पत्ते हैं, होपफुली ये भी ग्रो कर जाएंगे। तो जी, बस सब ने मेरे एक मुन्ने से गार्डन के लिए दुआ करनी है, और बहुत दिनों से जब से ईद का व्लॉग अपलोड किया है इतनी रिक्वेस्ट आ रही हैं, केक बता दीजिए, क्रिंकल केक बैग कैसे बनेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो पूरी रेसिपी लिख दूंगी। फाइलो डो, फाइलो पेस्ट्री से ये बनता है, ये बहुत ईजीली अवेलेबल है। मैंने पाकिस्तान में भी चेक किया था बड़े स्टोर्स पर, बड़े रीज़नेबल प्राइस पर 350 से 500 रुपये के दरमियान जो है ये रोल मिल जाता है, और एक रोल जो है वो एक केक बनाने के लिए इनफ होता है। जिस वक्त आपने बनाना है उसी टाइम पे आपने इसको खोलना है। इन शीट्स को आपने खोल के पहले से ही नहीं रख देना है। अवन जो है वो मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, और जिस वक्त अवन रख दिया है, सारे इंग्रेडिएंट्स को निकाल के बाहर रखा है, उसके बाद मैंने शीट्स का काम स्टार्ट किया है। तो आप देख लीजिए कि शीट्स को मैं किस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ, किस तरह से इसमें चुन्नटे जैसे देते हैं ना, जैसे दुपट्टे को चुनते हैं तो कैसे उसमें चुन्नटे देते हैं, तो बस वैसे ही इसके अंदर जो है वो आपने फोल्ड्स देने हैं। और कोई ऐसी बेकिंग डिश लीजिएगा कि जिसमें आप सर्व भी कर सकें। तो बस मैंने इस साइज़ की बेकिंग डिश ली थी क्योंकि मैंने ये ईद पे सर्व किया था, तो मैं इसे ज़रा सा बड़ी साइज़ का बनाना चाहती थी, तो ऐसे मैंने रखा तो ये अच्छे तरीके से आ नहीं रहा था, तो मैंने अदर वे रखा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह से पूरे पैकेट के जो हैं वो मैं फ़ोल्ड्स करके हर शीट को इसी तरह से जो है वो रखती जाऊंगी। कोशिश करें कि ज़रा टाइट आप फोल्ड बनाइए। मेरे एक दो फोल्ड्स जो हैं वो थोड़े से लूज़ थे और कुछ जो हैं वो ज़रा टाइट थे, लेकिन बहरहाल रिज़ल्ट इनका सही रहा। ये इस वक्त मैंने जो है वो तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए अवन में रख दिया है। जब तक ये अवन में है तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने 1.5 कप दूध लिया है। अच्छा देखिए, ये केक जो है वो दो तरह से बनाया जा सकता है। एक तो इसको आप बहुत ही क्रिस्पी तरीके से बना सकते हैं, जब ये बेक होगा तो ये क्रिस्पी होगा जैसे कि बकलावा होता है। दूसरा तरीका ये है कि ये बिल्कुल केक की तरह होगा, सॉफ्ट होगा, इसका टेक्स्चर ऐसा होगा जैसे ताफ्तान होता है, मोटा सा और मीठा। तो आपने क्या करना है कि दूध, अंडा, चीनी और वनीला एसेंस,
इन सबको आपने पका लेना है। पका के माइनर सा ये गाढ़ा हो जाए तो बस ये तैयार है। लेकिन अगर आपको ये क्रिस्पी चाहिए तो आपको दूध और अंडे को पकाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको सिंपल एक बोल में ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रखने हैं अगर आपको क्रिस्पी बकलावे जैसा टेक्सचर चाहिए। मैंने चूँकि केक जैसा टेक्सचर बनाना था तो इसलिए मैंने इसको बना लिया, इसको मैंने पका लिया। 10 मिनट बाद जब मैंने निकाला है बाहर पेस्ट्री को तो आप देख लीजिए कि वो हल्की हल्की सी ब्राउन है। अब इसके ऊपर जो है वो मैंने बटर डाल दिया है। ये मेल्टेड बटर है जो मैंने इसके ऊपर डाला है और ये 3 टेबलस्पून घी है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ बटर डालिए, लेकिन मैंने इसे ऊपर से जो है वो घी से भी जो है वो अच्छी तरह से ब्रश कर दिया है। अब अगेन मैं इसको अंदर रख रही हूँ। ये देख लीजिए मैंने कस्टर्ड तैयार कर लिया है। ये बहुत गाढ़ा नहीं है, बस ये पक गया है। और इस दफ़ा देखिए जब फाइलो पेस्ट्री बाहर आई है तो कितनी क्रिस्पी है और कितनी ब्राउन है। अगर आप इस वक्त इसके ऊपर गरम कस्टर्ड डालेंगे तो ये सॉफ़्ट केक की फॉर्म लेगी, लेकिन अगर आप इसके अंदर ठंडा अनकुक्ड कस्टर्ड डालेंगे यानी कि आपने उसे पकाया नहीं होगा, तो जब आप इसे दोबारा बेक करेंगे तो ये बकलावे के टेक्सचर का केक बनेगा। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं ताफ्तान जैसा सॉफ्ट और मोटा केक बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने इस कस्टर्ड को कुक किया है और इस वक्त ये गर्म भी है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा 25 मिनट्स के लिए जो है वो ओवन में रख रही हूँ। जब तक ये बेक हो रहा है हमने ले लिया है 1/2 कप पानी, और 1/2 कप पानी में मैं 1 कप जो है वो चीनी ले रही हूँ। इसको हमने पकाना है और आप समझें कि जब इसका बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके बाद उसको कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे पकने के लिए, क्योंकि हमें इसका गाढ़ा शीरा तैयार करना है। थोड़ी से इसके अंदर आप लेमन जूस डाल सकते हैं या एक लेमन का वेज डाल सकते हैं ताकि शुगर जो है वो क्रिस्टलाइज ना हो। तो अब आप देख लें कि इसने उबलना शुरू कर दिया है और इसको हम पकाएंगे उस वक्त तक जब तक इसका एक तार नहीं बनने लगेगा। और ये देखिए जी पेस्ट्री बन के बाहर आ गई है। इस वक्त आपको कितनी फूली हुई लग रही है, लेकिन जैसे ही ये ठंडी होगी ये खुद ब खुद जो है वो बैठ जाएगी। इस वक्त ये टॉप से बॉटम तक जो है वो अच्छी सॉफ्ट है, लेकिन अगर आपने दूसरी तरह से डाला होता यानी अनकुक्ड बैटर डाला होता तो ये क्रिस्पी होती। तो जी शुगर सिरप का मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने एक ज़रा सा शुगर अपने अंगूठे पे लगाना है और फिंगर से ऐसे करना है। अगर एक तार सा फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है तो शुगर सिरप तैयार है। या फिर दूसरा एक और तरीका भी हो सकता है, वो तरीका ये है कि अब मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं क्या बता रही हूँ। ये देख लेंगे स्टिक कर रहा है और ये एक तार की फॉर्म बना रहा है, तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। इसको आपको ज़रा बार बार चेक करना पड़ेगा। शुगर बहुत गर्म होती है, ध्यान से आप चमचे को भी देख लीजिए, चमचे में से भी जब गिर रहा है ना तो अब एक तार की फॉर्म में गिरना स्टार्ट हो गया, एक तार सा बना रहा है। बस ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, ये आपने बस ख्याल करना है। और ये 10 से 12 मिनट आप पकाते हैं ना शुगर सिरप को तो ये स्टेज बहुत आराम से आ जाती है, तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से बना लेना है, कोई मसले की बात नहीं है। जब मैं कोई काम कर सकती हूँ ना तो आप लोग तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो बस जी वो देखें केक किस तरह से बैठ गया है, जो अभी आपको लग रहा था कि बिल्कुल ऊंचा है और डिश से बाहर आया हुआ है, तो ठंडा हुआ तो पफ पेस्ट्री ज़रा सी बैठ गई। शुगर सिरप में जो है वो आप चाहें तो रोज़ वाटर डाल सकते हैं, चाहे तो केवड़ा वाटर डाल सकते हैं, और अगर आपको इसे देसी टच नहीं देना तो आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर केवड़ा वाटर डाला है क्योंकि मैं इसको गुलाब की पत्तियों से सजाने वाली हूँ, तो मैं इसको बहुत ट्रेडिशनल लुक देना चाहती थी और वही फ्लेवर भी। तो अब आप देख लीजिए गाढ़ा शीरा है, इसको आप ऊपर ड्रिजल करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा सा गरम केक के अंदर भी चला जाएगा। और उसके अलावा ये कि इसके ऊपर जब आप गार्निशिंग डालेंगे, चाहे आप बादाम डालें, चाहे आप पिस्ते डालें, जो मर्ज़ी डालें, तो वो बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर स्टिक करेगी। और जब आप इसकी बाइट लेंगे तो ये बहुत मज़ेदार सॉफ्ट मीठा केक है, और मीठे के तो हम वैसे ही दीवाने हैं और ईद पे तो मीठा अच्छा ही लगता है, दावतों के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त है। और अगर आप इसको क्रिस्पी वर्जन में बनाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये केक मैंने तकरीबन 1 हफ्ते तक रखा था फ्रिज में रख के, परफेक्ट रहता है। 10 सेकंड माइक्रोवेव में गर्म करती थी और हर दफ़ा खा लेती थी, बहुत मज़े का था। आप जिस तरह से भी बनाएंगे आपने मुझे बताना है कि कैसे आपने बनाया, आपने सॉफ्ट वर्जन बनाया इसका या आपने इसका क्रिस्पी वर्जन बनाया। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा,
और आखिर में अगर आप आसानियाँ चाहते हैं तो दूसरों को भी आसानियाँ दीजिए। अल्लाह ताला उन लोगों से खुश होते हैं जो दूसरों को खुश करते हैं। तो जी, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और आप लोग तो हैं ही मेरी दुआओं में। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।